हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, आपके पार्टनर्स, लवर्स, आपका एक्स, आपके हस्बैंड, वाइफ, जो भी हैं वो, उनका आपके बिना क्या हाल है। ठीक है, आपके बिना वो किस हाल में है, आज हम देखेंगे, बिकॉज बहुत से लोग जानना चाहते होंगे ये। ठीक है, सो गाइज, रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मेरे इंस्टा पे, इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, मुझे वहाँ पे भी जरूर फॉलो करिएगा। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, एंड इस वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग की एनर्जी आपके साथ एक्सचेंज हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मेडिटेट करिए, थोड़ा टाइम अपनी एनर्जी को अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखते हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, या कुछ भी हो गया है आप दोनों के दरमियान, तो आपके पार्टनर्स, आपके लवर्स, उनका हाल क्या है आपके बिना। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन का हाल क्या है उनके लिए। सो फर्स्ट वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वीमो, कैप्रिकॉन। देन वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वीमो, कैप्रिकॉन। देन वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वीमो, कैप्रिकॉन। इस पर्सन की एज 23-32 हो सकती है, कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है। देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दो लोगों के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, या आप लोग दो लोग, या आप लोग दो लोगों के लिए रीडिंग को देख रहे हैं। आई डोंट नो बट आई एम बिगिन द एनर्जी। क्या हाल है व्यूअर्स के, पार्टनर्स का, उनके लिए। ओके, देन वी हैव एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड वैक्स, वन एक्स्ट्रा मैसेज, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द रैक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स पेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे लगता है आपका ये जो पर्सन है ना, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, ये अपने काम कर रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है ये पर्सन। या इस पर्सन ने आपके बिना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा काम पे बाउंड किया हुआ है, काम के अंदर स्टक किया हुआ है, ताकि ये पर्सन आपको याद ना कर सके, आपके बारे में सोच ना सके। ठीक है, क्योंकि जब ये पर्सन काम से लाइक अपने फोकस हटाता है ना, तो ये पर्सन का बैलेंस आउट हो जाता है। ठीक है ना, तो इन्होंने अपने आप को काम में काफ़ी ज़्यादा स्टक किया हुआ है, ताकि इनको बिल्कुल भी आपकी याद ना आए, ये पर्सन किसी तरह से आपके बारे में सोच ना सकें, अपने पास्ट के बारे में सोच ना सकें, अपनी गलतियों के बारे में सोच ना सकें जो इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, अपना गिल्ट ना फील कर सके ये पर्सन। दैट्स वाई ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं अपने काम पे। जैसे दिख रहा है इस पर्सन को अपनी लाइफ, अपनी लाइक ये पर्सन का अब मोटिव ये हो गया है कि इनको अपने आप को फाइनेंशली स्टेबल करना इस पर्सन की जिद बन गई। ऐसा नहीं है कि ये फाइनेंशियली सेटल नहीं है, दिस पर्सन इज फाइनेंशियली स्टेबल, बट और से और ज़्यादा अपने आप को सेटल करना चाहता है ये पर्सन। बैंक बैलेंस है इस पर्सन के पास, सिक्योरिटी है, हर चीज़ है, बट फिर भी स्टिल दिस पर्सन वांट्स टू यू नो अपने ऊपर काम करना, अपने काम के ऊपर बहुत फोकस करना। चाहे ये पर्सन जॉब कर रहा है, चाहे ये पर्सन बिजनेस कर रहा है, हर टाइम अपने आप को काम में बिजी रखता है ये पर्सन किसी तरह से, किसी ना किसी तरह के। मे बी दिस पर्सन इज़ डूइंग मल्टीपल जॉब्स और मल्टीपल बिजनेस, यहाँ पे ये सिचुएशन भी दिख रही है मुझे, ताकि ये पर्सन आपके बारे में ना सोच सके। इस पर्सन के पास पास्ट के बारे में सोचने का, पास्ट के ऊपर पछतावा करने का, गिल्ट फील करने का, अपने आप को गिल्टी फील करवाने का, अपनी गलती रियलाइज करने का टाइम ना हो, ये ऐसा इस पर्सन ने किया होगा अपने आप। क्योंकि जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचता है ना, तो ये पर्सन स्टक हो जाता है पास्ट के बारे में सोचता है। ऐसा नहीं है कि ये सोचता नहीं है, सोचता है, लेकिन मोस्टली इस पर्सन ने अपने आप को इतना बाइंड किया हुआ है अपने काम के अंदर कि ये सोच ना सके।
डेफिनेटली इनका दिल भी चाहता है कि इनका दोबारा से आपके साथ यूनियन हो, आपके आपके बिना जो इनकी सिचुएशन है ना, कि इनका यूनियन हो दोबारा से, ये आपकी तरफ एक्शन लें, आपके दरमियान दोबारा से लव सीन हो, दोबारा से ये आपकी फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस हों, ये पर्सन आपको याद भी करते हैं, ऐसा नहीं काम में याद नहीं करते, याद भी करते हैं। जो इंसान आपके साथ ट्रू लव करता होगा या ट्रूली उसके दिल में आपके लिए इमोशंस होंगे, वो अपने काम में अपने आप को जितना भी बिजी रख लें, स्टिल उसका माइंड आपकी तरफ होगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, बिजी रखने की बहुत कोशिश करते हैं, बट स्टिल दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, एक पर्सन मुझे दिख रहा है जो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी से काफ़ी इंस्पायर है। एक है जो आप लाइक वो आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपसे यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन वो फाइनेंशली इतना सेटल नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स वाई अभी वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, हो सकता है आप दो लोगों के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, एंड दूसरा पर्सन है वो टोटली फाइनेंशली सेटल है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट्स पे बिजी रख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा टीम वर्क पे फोकस कर रहा है, अपने आप को बिजी रख रहा है, जितना हो सके लोगों की हेल्प कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, कि किसी तरह से ये पर्सन अपनी लाइफ में अंदर से जो एक पीस होता है ना, पीस हमेशा आपके अंदर होता है, सोल के अंदर पीस होता है, पीस किसी की बाहर की चीज़ों से नहीं होता, पैसे से पीस नहीं मिलेगा इस पर्सन को। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ना फील करता है कि जैसे इसने अपने आप को बहुत बाउंड कर लिया अपने काम में, बट स्टिल इसके अंदर वो एक आप कह लो चाहत है कि ये आपके साथ दोबारा से यूनियन करे, आपके बिना दोबारा इस पर्सन के है कि आपसे यूनियन कर रहे, किसी तरह से चीज़ों को दोबारा ठीक कर, दोबारा आप दोनों मिल जाओ, क्योंकि ये एक सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ महसूस करते हैं, दैट्स वाई एक्शन लेने का भी सोचते हैं आपकी तरफ, ताकि आप दोनों मिलके लाइफ को एंजॉय करो, ये आपके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और उस टाइम को काफ़ी मिस भी करते हैं। अगर आप मुझे दिख रहा है यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, आप उनके साथ काफ़ी एडवेंचर करते थे, काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ आपने, आप भी याद करते हैं और ये पर्सन भी याद करता है, पास्ट में कोई आप लोगों ने हॉलीडेज मिलके एंजॉय की थी, या फिर आप लोग कोई सी पिकनिक पे गए थे, आउटिंग पे गए थे, चाहे आउट ऑफ कंट्री गए थे, आउट ऑफ सिटी गए थे, तो वो चीज़ों की पिक्चर्स भी इस पर्सन के पास है जो ये पर्सन देखता है और आपको बहुत ज़्यादा याद करता है। तो जब ये पर्सन वो चीज़ों के बारे में सोचता है, इस पर्सन को रिवाइंड वो चीज़ें होती हैं, तो ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं हेल्पलेस, टेंशन में फील करता है कि कर नहीं कुछ पा रहा, आना चाहता है आपकी तरफ लेकिन नहीं आना चाहता है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से नहीं आ पा रही है। ठीक है ना, सो नाउ आई वांट टू सी कि एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, कि क्यों ये इतना अपने आप को ट्रैप फील कर रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करें, एट ऑफ स्वॉर्ड यस, इन्होंने इनको गिल्ट हो रहा है गाइस, या फाइव ऑफ कप्स एंड द टावर, इन्होंने जो आपके साथ कनेक्शन ख़त्म किया है, आपके सामने ईगो शो की है, या फिर किसी तरह से लड़ाइयाँ वगैरह की हैं आपसे, उस चीज़ की वजह से ये स्टक है, उस चीज़ की वजह से ये आ नहीं पा रहे, गिल्टी फील कर रहे हैं ना, अपनी गलती की रियलाइज है, अपनी गलती का पता है, आजकल लोगों को अपनी गलती का पता होता है मोस्टली, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अब मैं देखूँगी टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों, ये पर्सन क्यों इतने इम्बेलेंस हो रहे हैं, क्यों जगल कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर जगल कर रहा है ये पर्सन। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक्शन लेना चाह रहे हैं गाइज ये आपकी तरफ, यस उनको अपने माइंड चेंज करने की ज़रूरत है, यहाँ पर ये पर्सन अपना माइंड चेंज कर चुका है। ठीक है, और यहाँ पे ये कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि शायद हो सकता है इनकी अपनी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, फैमिली अभी नहीं चाह रही कि आपसे बात हो इस पर्सन की, या फैमिली का प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर। ठीक है, दैट्स वाई ये पर्सन प्लानिंग करते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे आपकी तरफ, वो फैमिली इनको कन्फ्यूज़ कर देती है, बैलेंस बना भी ले, बैलेंस इनका बन जाता है कि इन्होंने आपकी तरफ एक्शन लेना है, लेकिन फैमिली इनकी जो है ना इनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, फैमिली का प्रेशर दिख रहा है यहाँ पर, या लेकिन ये आपके बारे में या तो किसी कोई इनके किसी के साथ डिस्कस भी करते हैं, या फिर ये पर्सन आपकी वर्क प्लेस से है जो आपको डेली देखता है और आपको काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनको डर है। ठीक है, यस। सो दिस इज योर रीडिंग कलेक्शन एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।